दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसे शख्स आते हैं जो कि कुछ ना कुछ छाप अपनी छोड़ जाते हैं। इसी तरह से एक कहानी मैं आज जिसकी बताने वाला हूँ, छोटी सी कहानी है, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। और इस तरह की कहानियां आपके आसपास भी होती होंगी। हमारे यहाँ पर एक सेठी स्वीट्स शॉप है जो कि काफी फेमस है रिहाड़ी में। किसी को भी उसको पूछेंगे तो वो जरूर बताएगा कि सेठी के समोसे, जो कि कुछ ही समय के लिए शाम को आधे पौने घंटे के लिए मिलेंगे, उनके पनीर पकौड़े और उनके गुलाब जामुन और गाजर का हलवा और इस तरह की कई सारी चीजें फेमस है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वो मिठाई बनाते हैं। जम्मू में और भी बड़े सारे मिठाई वाले हैं जो कि बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं, बट यहाँ के आसपास के लोग सिर्फ उसी की मिठाई खाते हैं। कारण आपको बताना चाहूंगा, कारण एक मेरे टीचर थे, उन्होंने भी एक बार ये बताया था। कहते कि वहां की मिठाई भले ही इतनी अच्छी ना हो, बट वहां का शख्स जो वहां पर खड़ा होता है, जो बुजुर्ग अंकल है या जो उनके बेटे हैं, वो इतने प्यार से, इतनी मिठास से आपको नमस्ते, हेलो या आपसे हाथ मिलाएंगे। अगर जानते भी नहीं है तो आप उनको मुस्कुरा दीजिए और वो आगे से ऐसी स्माइल देंगे, आपको लगेगा कि नहीं, हर बार यही आना है और हर बार इन्हीं की मिठाई हमें लेनी है। कोई भी त्योहार हो, यहीं पर आना है। और हमारा बचपन से लेकर अभी तक सेठी स्वीट्स के साथ एक खास रिश्ता जो है वो रहा है। और आपके आसपास भी कई सारे ऐसे सेठी स्वीट्स होंगे जो कि उनकी खाना पीना या इतना ही इनका जो भी वो बेचते हैं वो इतना अच्छा ना हो, वो इतना टेस्टी ना हो, आप कुछ और ऑप्शंस भी वहां पर हों अवेलेबल, बट आप वहीं जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही कि वो शख्स जो है वो इतने प्यार से आपसे बात करता है कि आपको मन करता है कि इससे रोज मिलें, रोज मुलाकात हो और इसी की मिठाई जो है वो घर ली जाए। अगर ऐसी कहानी आपके पास भी है तो शेयर कीजिएगा। ऐसी और कहानियां मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।